गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में क्लास 6 मैथ में हमने हमारी एक्सरसाइज 12.1 जो है उसे कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो में हम हमारी 12.2 एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट करेंगे। सो देखते हैं क्या बोला गया है एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में। विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स हैविंग फॉलोइंग लेंथ। रूलर मतलब स्केल यूज करके आपको लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं कितनी कितनी लेंथ के जो हमें गिवन है। So, क्या करेंगे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, हमने स्केल रखा हमारे नोटबुक पे 0 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर दिया एंड फर्स्ट पार्ट में बोला गया है 5.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर पेन स्केल में होगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5 एंड आगे सो ऑन कहां तक, 15 या 30 तक। तो ये हमारा कहां होगा 5.5 सेंटीमीटर। तो जस्ट आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कहां तक, 0 से लेके और 5.5 सेंटीमीटर तक एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर। जस्ट आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्केल यूज करके फर्स्ट पार्ट में। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट में 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये देख लीजिए। फिर 8.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है हमें एंड देन 10.3 सेंटीमीटर। बस स्केल यूज करके आप लोगों को इतनी इतनी सेंटीमीटर की जो है वो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है आपकी नोटबुक में और आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। अब आपको स्केल कम यूज करना है एंड कंपास ज्यादा यूज करना है क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो बेसिक्स बेस इसी पे है कि हमें कंपास और प्रोटेक्टर का यूज करना अच्छे से आ जाए हमारी आगे वाली जो आने वाली क्लासेस है ताकि हम उनमें अच्छे से जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको कर पाए। तो आपको कंपास ज्यादा यूज करना है एज कंपेयर टू स्केल। देखिए विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आपने अपनी नोटबुक पे एक पॉइंट मार्क करना है। सबसे पहले ए पॉइंट आपने मार्क कर लिया, आपको ड्रॉ करनी है ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम ए पॉइंट पे हमारा स्केल रखें और कहां तक 8 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दे, सेकंड पॉइंट को नेम दे दे बी, ये हमारी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ होगी। बट इसमें हमारा क्या है कि सिर्फ स्केल यूज हुआ, कंपास का कहीं यूज नहीं हुआ। तो हमें कंपास का यूज सीखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा स्केल जो है उसको यूज करके हम पहले हमारी कंपास को ओपन करेंगे इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कैसे ओपन करेंगे, आपको अपनी कंपास की जो निडल होती है उसको प्लेस करना है स्केल पे 0 सेंटीमीटर पे और उसको खोलते जाना है, ओपन करते जाना है, कब तक, जब तक आपकी पेंसिल की जो टिप है वो स्केल पे 8 सेंटीमीटर तक ना पहुंच जाए। तो ये करने के बाद हमारी कंपास कितनी ओपन हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर के इक्वल हमारी जो कंपास है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ए पॉइंट जो हमें मार्क किया था नोटबुक में वहां पे अपनी कंपास की नीडल रखेंगे एंड देन एक आर्क कट करेंगे इस तरह से, ऐसे एक आर्क लगाएंगे आप अपनी पेंसिल से। ये बहुत छोटी आर्क है कंपास, अगर आप खोलेंगे, मेरा हैंड से आपको शो नहीं कर पा रहा हूं ना, बट आपकी कहीं आर्क इस पॉइंट के आसपास लगेगी कंपास से अगर आप आर्क लगाएंगे तो। देन आपको क्या करना है, फिर आपको स्केल यूज करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट को अगर आप नेम दे देंगे बी तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरह से यूज करके, कंपास यूज करके आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, आपको कट लगाना आना चाहिए कंपास से। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट लिया इस पॉइंट पे और कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद हमने क्या किया, एक कट लगाया, देन उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारी AB बन गई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, ऑन AB मार्क अ पॉइंट C सच दैट AC इज इक्वल टू 3.5। अब AB पे बोला गया है कि एक पॉइंट मार्क कीजिए कुछ इस तरह से कि AC एक लाइन बन जाए और वो कितने सेंटीमीटर की हो, 3.5 सेंटीमीटर की हो। तो इस तरह का पॉइंट मार्क करने के लिए क्या करेंगे, अगेन हम अपना स्केल लेंगे और कंपास लेंगे, कंपास की निडल हमने कहा रखनी है 0 सेंटीमीटर पे और उस कंपास को ओपन करते जाना है कब तक, जब तक पेंसिल की टिप कहां ना पहुंच जाए 3.5 सेंटीमीटर में स्केल पे ना पहुंच जाए। तो ये हमारी कंपास ओपन हो गई 3.5 सेंटीमीटर। कंपास ओपन करने के बाद क्या करेंगे, निडल ऑफ द कंपास ए पॉइंट पे रखेंगे
और पेंसिल से कट लगाएंगे इस लाइन पे। ये हमारा कट लग गया। अब जो यहाँ पे कट लगा है वहां उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे सी, और इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो है कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होते हैं जो आपको लिखने हैं, इसमें बताया गया है कि कैसे लिखे गए हैं। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या स्टेप्स यूज करके इस लाइन को कंस्ट्रक्ट किया। एक बार रीड कर लेते हैं हम क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप 1, प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर एट ए। क्या करना है, जीरो मार्क रूलर का कहां रखना है, ए पॉइंट पे। मेक मार्क पॉइंट बी एट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। बी पॉइंट मार्क करना है आपको कहां पे, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ए पॉइंट से। फिर स्टेप 3 में क्या बोला गया है, मार्क अनदर पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी एट ए डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। फिर क्या करा था हमने, ए पॉइंट से कितने सेंटीमीटर पे, 3.5 सेंटीमीटर पे सी पॉइंट मार्क किया था। अच्छा, फिर एक पार्ट और था इस क्वेश्चन में, मेजर बी सी। फिर आपको स्केल से बी और सी मेजर करना है कि कितना बच गया। तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या हो गया, मेजर द लाइन सेगमेंट बी सी, वी फाइंड दैट बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अगर आप अपने स्केल का पॉइंट 0.C पे रखेंगे तो यहाँ पे आपका बी कहाँ आएगा स्केल पे, 4.5 के बराबर आपको शो होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि बी सी हमारी जो है वो 4.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा। देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। अब आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना आ गया है, इसमें हमें कुछ बोला नहीं गया, स्केल यूज करना है या कंपास यूज करना है, तो हम स्केल से बना लेते हैं। PQ हमने ड्रॉ कर लिया 4.6। देन क्या बोला है, प्रोड्यूस PQ टू R सच दैट QR इज इक्वल टू 6.4। अब PQ को प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ाना, आगे की तरफ बढ़ाना सच दैट Q और R के बीच में कितना गैप हो जाए, 6.4 सेंटीमीटर का गैप हो जाए। तो क्या करेंगे, या तो आप Q पे अपना स्केल रखें, 0 पॉइंट यहाँ रखें और 6.4 जहां तक जा रहा है वहां से स्केल से लाइन खींचती है, हमारा QR हो गया 6.4। या अगर आप लोगों को कंपास यूज करनी है तो क्या करेंगे, कंपास को ओपन किया 6.4 सेंटीमीटर निडल ऑफ द कंपास Q पॉइंट पे, देन एक आर्क लगाई और आर्क जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को नेम दे देंगे आर। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी 6.4 के बराबर। फिर बोला गया है मेजर द लेंथ ऑफ पी आर, टोटल पी से लेके आर तक कितनी लेंथ है ये कैसे मेजर करोगे, स्केल का 0 पॉइंट कहाँ रखोगे, पी पे, और आर देख लोगे कितने पे आ रहा है, यह आएगा लगभग आपका कितने पे, 11 पे, ठीक है, 11 सेंटीमीटर, 11.0। तो यह आपका पी आर की लेंथ आ जाएगी। पी आर की लेंथ फाइंड करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 12.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।